सारे चुनाव के व्यवस्था ईवीएम पहुंचाना, कहीं बैलेट की व्यवस्था करना है तो बैलेट की व्यवस्था होगी, सुरक्षा देना, प्रोसेस लंबा होगा, तो ऐसे परिस्थिति में ये राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा कि कहां कहां किस पेज में चुनाव। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं सुनील बोबी। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, पंचायतों में उम्मीदवारों की भागदौड़ भी तेज है, और सरकारी तौर पर माने, आधिकारिक तौर पर माने तो अब उल्टी काउंटडाउन शुरू हो गई, यानी उल्टी गिनती अब चुनाव को लेकर शुरू हो गई है। पंचायती राज मंत्री से जब इंग ने संपर्क किया और जानना चाहा चुनाव की तिथियों के संबंध में, तो उन्होंने साफ शब्दों पर बहुत कुछ कह दिया। आपको पहले हम यह बता दें कि बीते कुछ दिन पहले एक पत्र वायरल हुआ था जिसमें तिथियों का ऐलान था, प्रथम चरण से दसवें चरण तक की तिथियों की तिथि अंकित थे। अब उसे वायरल पत्र के संबंध में जांच पड़ताल भी शुरू हो गई। मैं यह भी बता दूं कि इस वायरल पत्र में पहली से दसवें चरण के चुनाव की तिथियां निर्धारित थी, यानी कि 20 सितंबर से नवंबर माह तक में दसों चरणों का चुनाव कराने की बात की गई थी, घोषणा किया गया था, ऐलान किया गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर उसे पुष्टि नहीं की गई थी। जैसे ही वह पत्र वायरल होता है तो निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग में खलबली मच जाती है कि आखिर यह पत्र वायरल कैसे हुआ। यह तो केवल प्रस्ताव बनाकर पंचायती राज विभाग में भेजा गया था राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, वह पत्र निकाला गया था राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा और पंचायती राज विभाग में भेजा गया था, लेकिन वहां से पत्र जारी होते ही पंचायती राज विभाग तक पहुंचते ही वह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो अखबारों की सुर्खियां भी बनी, यानी कि घोषणा की बात उस पत्र के माध्यम से विभिन्न अखबारों में हेडिंग बनाया गया और बताया गया कि इस चरण का इस तिथि को चुनाव है, लेकिन अब उस तिथि को नकारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वह घोषणा नहीं था। हालांकि अब तक इस पर आधिकारिक तौर पर यह भी बात नहीं की गई है कि वह पत्र कैसा था, लेकिन इसको लेकर सूत्रों के अनुसार उसकी जांच शुरू हो गई कि आखिर यह पत्र वायरल कैसे हुआ। केवल यह प्रस्ताव तैयार किया गया था, जब तक अधिसूचना जारी नहीं होता है तब तक तिथियों का ऐलान कैसे माना जाएगा। जब हमारी टीम ने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से संपर्क साधा एक कार्यक्रम के दौरान, उनसे जब मीडिया ने पूछा कि जो पत्र जारी हुआ है उस पत्र के आधार पर ही चुनाव होंगे या फिर फेरबदल होगा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किसी तिथि को भी निर्धारित किया गया है, जैसे ही मेरी संज्ञान में आएगी तो हम निश्चित तौर पर मीडिया को बताएंगे कि किस तरह का कब चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने और व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेवारी जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से होता है, केवल उसमें सरकार जो है सहयोग करती है। पंचायती राज मंत्री ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि उस पत्र के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है कि वह पत्र भी निकाला गया था, और पत्र निकाला गया तो उसमें तिथियों के बारे में क्या कहा गया था। आप सुन सकते हैं वीडियो क्लिप में किस प्रकार से सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं, यानी कि मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि फिलहाल चुनाव की तिथियों का घोषणा नहीं हो पाया है। फिर से जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगा तब तक इसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल आपने भी देखा होगा कि चुनाव की तिथियों के संबंध में अखबारों में और अपने चैनल पर भी आपने देखा है, विभिन्न चैनलों पर भी यह बात को लाई गई थी कि एक चिट्ठी के माध्यम से, इस तरह से मैंने भी एक वीडियो बनाकर आपके बीच रखा था, पत्र को भी दिखाया था, लेकिन अब पत्र को निरस्त कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि जब तक अधिसूचना जारी नहीं होता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि उस चिट्ठी के विषय में वायरल कैसे हुआ इसकी जांच पड़ताल जारी है। हमेशा आपके चैनल मगध संवाद पंचायत चुनाव को लेकर हर अपडेट को आपको बताते आया है और अंतिम तक बताने का प्रयास करेगा, हमेशा करते आया है। सबसे बड़ी बात है कि आपके मगध संवाद के द्वारा आपके चुनाव प्रचार में सहयोगी बनना चाहता है, आपको सहयोग करना चाहता है तो आपके लिए विज्ञापन की सुविधा दी गई है, पोस्टर लगाया जाएगा और पोस्टर के माध्यम से आपको आपके मतदाताओं तक आपकी आवाज को पहुंचाई जाएगी, आपकी बातों को पहुंचाई जाएगी। फिलहाल अभी 15 अगस्त सामने है, इस पर आप अपने मतदाताओं को शुभकामनाएं अपने मगध संवाद चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो इस समय स्क्रीन के नीचे विज्ञापन से संबंधित संपर्क करने के लिए जो
लगा हुआ है पट्टी, उस पट्टी पर आप अपना फोटो और नाम पता लिख दें, या फिर पहले संपर्क कर लें, और संपर्क करने के बाद आप उसमें पोस्टल लगवा सकते हैं, अपना फोटो, अपना मोबाइल नंबर और पता वगैरह, किस पद से लड़ रहे हैं, उम्मीदवारी है, तमाम चीजों को लेकर आप अपने मतदाताओं को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो ये आपके लिए सुविधा है, तो आप जल्द करें, संपर्क करें और विज्ञापन जरूर लगाएं ताकि आपके मतदाताओं तक आपकी बात पहुंच सके। देखिए, हमेशा आपका चैनल पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट देते आया है, तो निश्चित तौर पर आगे भी देते रहेंगे। सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि अभी फिलहाल जो है तिथियों को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं किया गया है, और अधिसूचना की बात कर ले तो पहले भी मैंने बताया था कि 15 अगस्त तक अन्य कामों को करने के लिए जिलाधिकारी को आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है। और अधिसूचना की जहां तक बात है तो अधिसूचना अगस्त में जारी होने की कम उम्मीद बताई जा रही है, अधिसूचना सितंबर महीने के प्रथम वीक में अधिसूचना जारी हो सकता है और तिथियों का ऐलान हो सकता है, और कब कौन कहां चुनाव होगा इसके बारे में बताया जा सकता है। 10 चरणों के चुनाव की तिथि घोषित होगी और उस तिथि के अनुसार प्रत्येक जिले में वहां के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा निश्चित किया जाएगा कि किस प्रखंड में कब चुनाव होंगे। जैसे मान लीजिए कि गया जिला का हम लेते हैं, जहानाबाद जिला के लेते हैं, तो अब जहानाबाद के जिलाधिकारी जो है जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो डीएम होते हैं वो उन पर निर्भर करेगा कि किस प्रखंड में क्या हुआ, प्रस्ताव बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग पास में भेजे हैं और उसके अनुसार वहां पर जिलाधिकारी के द्वारा वहां पर घोषित किया जाएगा कि किस प्रखंड में कब चुनाव हो, जो आपको स्थानीय मीडिया, स्थानीय अखबार में आपको पता चल जाएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि आपका उसका पीडीएफ बनाकर लिंक आपके पास में दे, आप तक पहुंचे कि आप पता देख सकते हैं कि कब कहां चुनाव है। ऐसे भी हम उसको लेकर वीडियो बनाएंगे ही बताएंगे, और कुछ नियम वगैरह भी निकले हुए हैं पीठासीन पदाधिकारी वगैरह के लिए, कब क्या कैसे करना है उसके संबंध में, इसके संबंध में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कई अपडेट अब तक सामने आए हैं कि पंचायत में जो है वह पुलिस बल की तैनाती के साथ है, अगर जिस प्रकार से विधानसभा में चुनाव होते हैं उसी प्रकार से यहां भी आपको एक बेहतर बूथ बनाने की बात कही जा रही है, यानी कि कह सकते हैं कि यहां भी जो है वह आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, यानी कि एक अच्छा बेहतर जागरूक करने के लिए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, और जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कार्य किया जा रहा है और किया जाएगा, फिलहाल आप देख सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह मैं बता दूं कि जो ईवीएम को लेकर जो संदेशा था कि ईवीएम में क्या क्या होगा, रंग तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि मुखिया, सरपंच, सरपंच को तो खैर बैलेट पेपर से होगा, वार्ड, पंचायत समिति, जिला परिषद के किस कलर से नाम लिखे रहेंगे, तो वहां पर जो होगा ईवीएम में केवल नाम चुनाव चिन्ह ही होंगे, वहां पर प्रत्याशी के फोटो नहीं होंगे, इसको राज्य निर्वाचन आयोग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और हम लोगों ने देखा है कि जिसे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं कर्मचारी कर्मी, उसमें फोटो का कहीं पर जिक्र नहीं है, फोटो नहीं दिखाया जा रहा, केवल नाम और चुनाव चिन्ह है। तो अब हम बता रहे थे कि पंचायती राज मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, तो सुनिए इस क्लिप को, देखिए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी चुनाव की तिथियों को लेकर उस पत्र के संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, देखिए इस वीडियो क्लिप को। सारी व्यवस्था भी है, सारे चुनाव के व्यवस्था, ईवीएम पहुंचाना, कहीं बैलेट की व्यवस्था करना है तो बैलेट की व्यवस्था होगी, सुरक्षा देना, लेकिन सारा डिसीजन राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है कि कहां पहले फेज में चुनाव होगा और कहां अंतिम फेज में चुनाव होगा, क्योंकि यह प्रोसेस लंबा होगा, तो ऐसे परिस्थिति में यह राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा कि कहां कहां किस फेज में चुनाव। मेरे तक कोई सूचना नहीं है, क्योंकि मेरे तक फाइल नहीं आई, हमको जानकारी नहीं है इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आया, राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या भेजा नहीं भेजा, क्योंकि मेरे जानकारी में अभी तक मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था से नहीं आया। तो यदि मेरे यहाँ आकर कुछ हुआ होगा तो जरूर कार्रवाई होगी। सर, रद्द भी हो सकता है क्या जो लीक हुआ था डेट का? डेट हमको तो मैंने यही कहा, उस डेट को मैं ही नहीं जानता, इसलिए वो चुनाव के तारीख हो कैसे सकते ये मैं नहीं जानता, लेकिन यदि मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। मेरे तक मैंने कहा भर्ती कि मेरे तक नहीं आया, यदि मेरे संज्ञान में ये मामले आएंगे तो वैसे जो दोषी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ।